खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस फिल्म में मैंने जितनी भी उनकी मूवीज देखी है ना, मुझे उनकी ये सबसे बढ़िया एक्टिंग वाली मूवी दिखी। डायरेक्शन के बारे में क्या बोलें? अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी। एडिटिंग, डायरेक्शन, सब, म्यूजिक, एवरीथिंग। मगर ये जो एक ब्लॉकबस्टर मूवी में होनी चाहिए जो बातें, वो सारी इसमें। सलमान खान और कैटरीना कैफ की केमिस्ट्री के बारे में क्या बोलें? अच्छी थी, वैसे ही जैसे हर फिल्म में होती है। गाने के बारे में क्या बोलें? सारे गाने अच्छे हैं। आउट ऑफ कितने, 5 फाइव आउट ऑफ फाइव ही, पांच में से पांच ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा दो ही नहीं सकते। मूवी कैसी लगी, भारत क्या बोलना चाहोगे? मूवी बहुत इंटरटेनिंग है, ईद की ईदी मिली है, ऑब्वियसली सलमान खान है, सो ही इज माय फेवरेट। डायरेक्शन के बारे में क्या बोलना? डायरेक्शन अच्छा है, बट कुछ जगह पे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें अननेसेसरी डाली गई है, बट स्टोरी लाइन, मतलब मुझे ये चीज ज्यादा अच्छी लगी कि एक बेटे ने अपने फादर को दिया हुआ प्रॉमिस निभाने के लिए अपनी पूरी लाइफ निकाल दी। बाकी सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, कैटरीना कैफ की और सलमान खान की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी दिखाई गई है। गाने के बारे में क्या बोलना है? स्लो मोशन सॉन्ग मुझे ज़्यादा, मतलब दैट सॉन्ग इज़ माई फेवरेट। इसमें शाहरुख खान की भी एंट्री है, इसके बारे में क्या बोलना? वो तो मतलब फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है, एक सीन दिखाया गया है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो उतना ये करता है। फाइव में से कितने स्टार देंगे? आई विल गिव 4 स्टार। खास नहीं है, विदाउट स्टोरी मूवी है, और घिसे पिटे चार पांच मुद्दे जो भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के समय के ले लिए जाते हैं, अभी लगभग हर फिल्म में रिपीट हो रहे हैं, बस वही ले लिए गए हैं, और बाद में कोई स्टोरी समझ में ही नहीं आई किसी को, और इसी वजह से हमारे इतने बड़े स्टार का भी परफॉर्मेंस समझ में आया नहीं किसी को, चाहे वो कैटरीना कैफ हो चाहे सलमान भाई हो। इससे अच्छा तो वो कॉमेडी जो है, बस वो थोड़ा सा पिक्चर को बनाए रखें। तो सलमान खान और कैटरीना कैफ की केमिस्ट्री के बारे में क्या बोलना चाहिए? केमिस्ट्री एक डिफरेंट वे में शो किया है उन्होंने, 11 रिलेशनशिप को लेके, कि बगैर शादी के रह सकते हैं, बस और कुछ ऐसा खास, मतलब कुल मिला के ज़बरदस्ती का एक केमिस्ट्री बिठाई गई है, पूरी स्टोरी में कोई केमिस्ट्री तो है नहीं। डायरेक्शन के बारे में? डायरेक्शन बहुत अच्छा है, डायरेक्शन अच्छा आया है, कॉमेडियन ने थोड़ा सा उसको बनाए रखा है, इसी वजह से लोग बाग शायद 2.5 घंटे मुश्किल से पास कर लेंगे। तो सलमान खान का इसमें जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का सफ़र दिखाया गया, इसके बारे में क्या बोलेंगे? उसके लिए तो सिर्फ इतना है कि जो किसी तरीके से, मतलब एक स्टोरी को पूरा करने के लिए, सलमान खान अपने आप में एक बड़े स्टार हैं और वो खड़े हैं तो पिक्चर वैसे ही चलती है ना, बस इसलिए लोग बाग जा रहे हैं, बाकी और उनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया है, बस आपने तीनों उनका बुढ़ापा तक देख लिया है, उनका जवानी से बुढ़ापे तक, तो ठीक है। फिल्म के गाने के बारे में क्या बोलना? सो है, मतलब बहुत कुछ खास नहीं है, ना तो लिरिक्स हैं, म्यूजिक भी कुछ खास नहीं है इसमें। कितने स्टार देना चाहेंगे फाइव स्टार? 2 मान के चले। मुझे बहुत अच्छी लगी, आई थिंक आई लव द मूवी, क्योंकि मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, अलग अलग फेजेस दिखाए हैं कि इंसान की, राइट फ्रॉम द एज ऑफ 18 टिल द एज ऑफ 70, तो बहुत ही अच्छे से तरह से डिपिक्ट किया, और सलमान खान इज़ रिमार्केबल एज ऑलवेज, बहुत ही अच्छा रोल है, और उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है कैटरीना कैफ के साथ, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है म्यूज़िक, आई थिंक जितने भी सॉन्ग्स हैं बहुत अच्छे हैं, ब्लीड स्लो मोशन, एथिया, चाशनी, ऑल द सॉन्ग्स आर वेरी गुड, और स्टोरी बहुत बांध के रखती है, आपको लगेगा कि अब क्या होगा, तो उस तरह से बहुत अच्छी है। अली अब्बास सफर ने ये रखा है कि एडिटिंग कहीं भी स्ट्रेच नहीं किया मूवी की, तो एडिटिंग बहुत अच्छी है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, तो आई थिंक एक मूवी जब बांध के रखती है, जब म्यूज़िक अच्छा है, कॉमेडी सीन्स हैं, तो ऑडियंस कभी बोर नहीं हो सकती, वो पेट्रियाटिक की फीलिंग, पेट्रियाटिज्म की फीलिंग जगाती है, तो वो भी बहुत अच्छा है। सभी सीन्स अच्छे, बट आई थिंक म्यूज़िक वाला पार्ट बहुत अच्छा है, जब भी कोई गाना आता है तो आप झूम उठते हैं, बहुत अच्छा म्यूज़िक है। डेफिनेटली आई थिंक इससे बेहतर ईदी नहीं हो सकती थी, ईद के मौके पे तो उन्होंने ये जो ईदी दी है ये बिल्कुल दिल को छू गई। लोगों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि प्लीज़ गो एंड वॉच दिस मूवी, डोंट गो बाय द क्रिटिक्स कि ये मूवी बहुत एवरेज है, मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी और बहुत एंटरटेनिंग है, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स, सो गो एंड वॉच द मूवी। 4 स्टार्स। भारत, अभी तो मैंने भारत फिल्म देखी है क्योंकि जल्दी जल्दी आया, फिर इसके बाद मैच शुरू होने वाले हैं भारत की, तो फिल्म मुझे बहुत बढ़िया लगी, बहुत इंटरटेनिंग थी, एक्शन से भरी थी, स्टोरी में थोड़ा 19-20 है,
फिर भी आपको ये फिल्म एंटरटेन कर लेगी। डायरेक्शन के बारे में क्या बताएं? डायरेक्शन भी बहुत अच्छा था, सिनेमेटोग्राफी भी बहुत अच्छी, डांस भी मतलब बहुत अच्छा था, एक्शन से भरी थी, लेकिन स्टोरी में थोड़ी मतलब 19-20 से स्टोरी थोड़ी धीरे धीरे मतलब चल रही थी। सलमान खान और कैटरीना कैफ की केमिस्ट्री के बारे में क्या बताएं? बहुत अच्छी, दोनों की केमिस्ट्री मतलब दोनों भी आते हैं तो मतलब केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया हो जाती है। गाने के बारे में क्या बोलना चाहिए? गाने भी बहुत अच्छे हैं, स्लो मोशन खासकर, वो तो बहुत बढ़िया गाना है। इसमें ग्रोवर भी है तो उनका कितना मतलब मतलब पूरी फिल्म में एंटरटेनिंग लगते हैं, इस फिल्म में वही उभर के आते हैं सुनील ग्रोवर। नहीं ये तो वन टाइम वॉच है, लेकिन सलमान सर के लिए और सुनील ग्रोवर के लिए मैं देखना चाहूँगा। चार स्टार और सुनील ग्रोवर के लिए 10/10 स्टार। मूवी सलमान की अब तक की आई कैन से आफ्टर बजरंगी भाईजान दिस इज द अराउंड द सेम मूवी और बेटर मूवी। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था सलमान का, कटरीना का, दोनों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। ओके डायरेक्शन या अच्छा था, मूवी अच्छा था, मूवी बेस्ड ऑन द इंडियन पार्टीशन, इंडिया पाकिस्तान जो पार्टीशन हुआ था उसके बेस पे, बहुत अच्छा, सबका एक्टिंग वगैरह सब अच्छा था। इसमें सलमान खान की जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का सफर दिखाया गया? नहीं नहीं, उल्टा दिखाया है, बुढ़ापे से लेके जवानी तक का सफ़र दिखाया है इसमें। तो जो भी था मतलब पहले वो लाहौर में रहते थे पाकिस्तान में, फिर पार्टीशन हुआ, फिर उनके फैमिली के साथ क्या हुआ, फिर अभी जाके क्या हो रहा है, एवरीथिंग इज़ गुड। सो सब कुछ उन्होंने दिखाया अच्छे से। सलमान खान और खाली मुझे सॉन्ग अच्छे नहीं लगे, बाकी अच्छा था सब। सलमान खान और कैटरीना कैफ की केमिस्ट्री के बारे में क्या? वो तो ऑलवेज बेस्ट मैन बॉलीवुड में, तो सलमान कैटरीना कोई डाउट है नहीं, बेस्ट केमिस्ट्री। गाना एक ही अच्छा लगा वो स्लो मोशन वाला, बाकी तो नहीं अच्छे लगे इतने। या अच्छा, बहुत अच्छा, वो तो वर्सेटाइल एक्टर है, कोई टेंशन नहीं उसमें, बेस्ट कॉमेडी। 4 और 4.5 बहुत अच्छी है और सभी को देखनी चाहिए। मैं कुछ टाइम पहले बस ये न्यूज़ भी देख रहा था कि भाई भारत नाम क्यों रख दिया, लेकिन भारत का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ मतलब अच्छी चीज़ दिखाई है उन्होंने। एक अच्छा जो भारत और पाकिस्तान के जब टुकड़े होते हैं तो बहुत अपने किसी के बिछड़ जाते हैं, तो वो सारा फील मतलब पूरी स्क्रिप्ट के अंदर दिखाया और बहुत ही अच्छा फिल्म को ग्रिप दिया है। सलमान खान का इसमें जवानी से लेकर बुढ़ापे सलमान खान जी अपने हर कैरेक्टर में हर रोल में मतलब काफ़ी अच्छे फिट लगे हैं और जो भी उनको गेटअप वगैरह दिए हैं, जो भी उनको कह रहे हैं, मतलब बंदा जब फिल्म देखने के लिए फर्स्ट सीन से बैठता है तो फर्स्ट सीन से और एंड तक वो जुड़ जाता है, कहीं भी वो पिक्चर से अपने आप को अलग नहीं पाएगा। सर हमने पहले ये मूवी प्रियंका चोपड़ा करने वाली थी, तो आपको क्या लगता है कि प्रियंका चोपड़ा? नहीं, प्रियंका चोपड़ा की कोई ज़रूरत भी नहीं है इंडियन फिल्म में अभी, अभी उसको फॉरनर ही करने दो। इंडिया में आई थिंक प्रियंका चोपड़ा की कोई ज़रूरत है नहीं, मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं यहाँ पे, उनको भी चांस मिलना चाहिए जरूर थोड़ी प्रियंका चोपड़ा। आई थिंक मुझे तो लगता नहीं कि प्रियंका चोपड़ा कैटरीना से बेहतर है। 5 में 4.5 दे सकते हैं हम।